जिनका जीवन ही तपस्या हो, जिनका जीवन ही त्याग हो, जिनका जीवन ही समाज और विश्व की सेवा हो, भला उनके मुखारविंद से निकलेगा तो क्या, रतन ही निकलेंगे। सो ऐसी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सरोज दीदी जी, आपको हम लोग ईश्वरी विश्वविद्यालय को मानने वाले शिवरात्रि का कार्यक्रम शिवरात्रि के 7 दिन पहले शुरू करते हैं और शिवरात्रि के 7 दिन बाद तक चलता है। आदरणीय दीदी जी, वास्तव में शिवरात्रि और दुनिया में लोग शिवरात्रि मनाते हैं, हम लोग शिवरात्रि के बजाय शिव जयंती मनाते हैं। सो शिव जयंती क्या है, इस पर आदरणीय दीदी जी बहुत ही गहन और सूक्ष्म तरीके से आपको जानकारी देंगी। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। सर्व मनुष्य आत्माओं के कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव बाबा, उनकी अति स्नेही रचना, सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाई और बहनें तथा नन्हे मुन्ने बच्चे, भारत त्योहारों का देश है। भिन्न भिन्न त्योहार आते हैं और भारतवासी बड़ी धूमधाम से त्योहार मनाते हैं और उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। फिर एक साल बाद त्योहार आता है और फिर मना लेते हैं। ऐसे ही जो आपने 7 दिन पहले मनाया, वो शिव कौन है, उनका रात्रि के साथ क्या संबंध है। हम सब शिवरात्रि मनाते हैं, उसके पीछे उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, कुछ शब्दों में हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन उससे पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सभी हमारी माननीय बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मुबारक। अभी हम अपने ही उस टॉपिक पर आते हैं, शिवरात्रि अथवा शिव जयंती। जैसा कि भाई जी ने कहा कि दुनिया शिवरात्रि मनाती है और हम शिव जयंती मनाते हैं। जयंती उसकी मनाई जाती है जिसका जन्मदिन होता है, जन्म होता है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा शिव का जन्म तो है लेकिन उसका मरण कभी नहीं होता है। इसीलिए उसको जन्म मरण के चक्र से न्यारा कहा गया है। वो शिव कब और कैसे आता है, जिसका वायदा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं स्वयं इस धरती पर अवतरित होता हूँ, तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। अवतरित होकर के अधर्म नाश और सत धर्म की स्थापना का गुह्य ज्ञान देता हूँ।
वर्तमान जो समय चल रहा है इसको देखते हुए आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा समय चल रहा होगा। ये तो सब कहते हैं भाई कलयुग है, घोर कलयुग है, बड़ी भ्रष्टाचारी दुनिया है, लेकिन जो दुनिया है उसी दुनिया में तो हम और आप भी रह रहे हैं ना। दुनिया में कोई दूसरे हैं और हम अलग हैं ऐसा तो नहीं है। तो जब दुनिया भ्रष्टाचारी है तो उसमें हम और आप भी सब कैसे हो गए, वैसे ही बन गए। अब ऐसी दुनिया को फिर से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये किसी इंसान का कार्य नहीं, ये स्वयं परमपिता परमात्मा का ही कार्य है। इसलिए वो भगवान इस धरती पर अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना का ज्ञान देने के लिए अवतरित होते हैं। और अधर्म की निशानियाँ आप सबने खूब सुन रखी हैं कि जब सृष्टि पर अधर्म हो जाएगा तो अन्नपुड़ियों में बिकेगा, केशों का श्रृंगार कर देंगे, गौविष्ठा खाएगी आदि आदि। सब कुछ तो हो रहा है, और जब सब कुछ हो रहा है उसमें भी एक निशानी जो एक विशेष है कि जिनके प्रति मनुष्य की आस्था है, श्रद्धा है, जिनको हम महात्मा संत या अपना इष्ट देव गुरु मानते हैं, जब उनकी दृष्टि वृत्ति भी कुदृष्टि हो जाएगी, उनके विचार भी अशुद्ध हो जाएंगे, तब अति धर्म की ग्लानी होगी। और आज ये सब कुछ हम और आप देख रहे हैं। ऐसे समय पर ही स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर एक साधारण मानव तन का आधार लेकर के हम आत्माओं को सहज ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं उनका नाश और दैवीय गुणों की धारणा की विधि समझाते हैं, जिनका ही यादगार पर्व हम शिवरात्रि मनाते हैं। वास्तव में वो 12 घंटे की रात्रि को दिन बनाने के लिए नहीं आते, लेकिन वो अज्ञान अंधकार की रात्रि को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देने के लिए आते हैं। वो अज्ञान अंधकार की रात्रि क्या है आप सभी ने सुन रखा होगा। गायन करते हैं ब्रह्मा का आधा कल्प दिन और ब्रह्मा की आधा कल्प रात्रि। वो दिन क्या है और रात्रि क्या है, सतयुग और त्रेता युग, ये ब्रह्मा का आधा कल्प दिन कहलाता है। द्वापर और कलयुग जब अज्ञान अंधकार आ जाता है तो ये ब्रह्मा की आधा कल्प। तो ब्रह्मा के साथ जो ब्रह्मा के बच्चे हैं उनका भी, उनके लिए भी क्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है। तो उस अज्ञान अंधकार की रात्रि को मिटाने के लिए भगवान शिव को इस धरती पर अवतरित होना पड़ता है। अब हम सब शिवरात्रि कैसे मनाई, आप सभी ने कैसे मनाई, सभी ने व्रत रखा होगा, रखा, जिसने व्रत रखा हाथ उठाना। माताओं ने तो नहीं रखा, हाथ नहीं उठा रही है, पीछे उठा रही है। अच्छा, पहली बात आपने व्रत रखा, दूसरा क्या किया, मंदिर में जाकर के शिव की पूजा की, शिव के ऊपर क्या क्या चढ़ाया, जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने बेलपत्र चढ़ाए, बेर चढ़ाए, गन्ने की गन्नेरी चढ़ाई है, बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं जाकर के। पीछे उसका रहस्य क्या था, अक और धतूरा भी चढ़ाते हैं। व्रत रखने का मतलब परमात्मा ने हमें सिखाया कि बच्चे अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करो। अब हमारी वृत्तियां कैसे परिवर्तित होंगी,
क्या खाली अन्न आज नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन उसकी जगह पर फल फ्रूट अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगे। अन्न नहीं खाया तो क्या हमारे विचार शुद्ध हो गए? कई तो ऐसा करते हैं कि टाइम पास नहीं होता है व्रत के दिन, तो सारा दिन अपना इधर उधर घूमेंगे, टीवी देखेंगे, फिर लास्ट में अपना स्नान पानी करके भगवान शिव पर जल चढ़ा करके प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। ऐसे भी लोग देखे। तो व्रत रखने का मतलब अपने विचारों को शुद्ध बनाना, व्रतियों को शुद्ध बनाना। खाली अन्न का परहेज नहीं करना है, लेकिन जो भी हमारे मन में कोई भी अशुद्ध विचार, किसी भी के प्रति नेगेटिव विचार आते हैं, उन विचारों को समाप्त करके उस अन्य आत्माओं के प्रति भी और अपने प्रति भी शुभ विचारों का आदान प्रदान करना, यही है अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए व्रत रखना। दूसरा, पूजन करते हैं तो पूजन में जो हमने अभी बताया कि जल ले जाते हैं, या कई कहते हैं भगवान शिव पर आज हम दूध चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और दूध में करते क्या है, एक लोटा पानी और एक चमचा दूध, प्योर दूध चढ़ाते हैं शिव के ऊपर जा करके। कोई कोई हो सकता है कि प्योर दूध चढ़ाते हों, बाकी करते यही है कि आधा दूध और आधा पानी भगवान शिव पर चढ़ा करके आते हैं। भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था जिस प्रकार से हंस के लिए गायन है कि दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, इसी प्रकार से अशुद्ध और शुद्ध जो मिलावट हो गई है उस अशुद्धता को समाप्त करके शुद्धता अपने जीवन में अपना लो। लेकिन हमने क्या किया, दूध और पानी मिला करके शिव के ऊपर चढ़ा दिया। भगवान शिव ने कहा कि हे मानव आत्माएं, आपस में वैर विरोध मत करो। और मनुष्य कितना होशियार है कि आपस के वैर विरोध समाप्त नहीं किए, लेकिन बेर चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश जरूर किए। भगवान ने कहा कि हे आत्माएं, अक और धतूरे जैसी जो जहरीली चीजें हैं इन्हें जीवन से निकाल दो, इन्हें तुम मुझे दे दो। हमने अपने जीवन की जहरीली बुराइयां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा आलस्य परचिंतन आदि बुराइयों को तो भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया, लेकिन उसके बदले अक और धतूरा जाकर के उस पे चढ़ाया। कि अक धतूरा अगर हम खा लेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन भांग जिसमें नशा होता है केवल, तो वो भांग शिव के ऊपर भी चढ़ाते हैं और भांग घोटकर खुद भी पी लेते हैं। भाई जो चीज उसको चढ़ाई सब चीजें स्वयं स्वीकार करनी चाहिए ना, वो तो प्रसाद हो गई ना, लेकिन कहते नहीं नहीं वो तो मर जाएंगे उसको पीने से। भगवान शिव ने हम आत्माओं को कहा कि हे मानव आत्माएं, अपनी आत्मा का दीपक सदा जगा करके रखो, उस दीपक में ज्ञान का घृत और योग की बाती जलती रहे तो तुम्हारे जीवन में अंधकार नहीं आएगा। हमने आत्मा का दीपक तो नहीं जलाया, लेकिन स्थूल दीपक लेकर और भोलेनाथ पर जाकर के जला करके रखाए, हम भगवान शिव पर दीपक जला करके रखाए हैं। भगवान ने कहा था कि हे मानव आत्माएं, मुख से सदा मीठे बोल बोलो। मुख से मीठे बोल बोलने का लक्ष्य तो नहीं रख पाए, लेकिन मीठी स्वरूप में गन्ने की गंडेरी या गुड़ भगवान शिव पर चढ़ाया है। हर चीज का रहस्य जो था उसको चेंज कर दिया, लेकिन किया सब कुछ हमने वही चीज, वो भोलानाथ फिर भी भोला भंडारी कहलाता है। भोला भंडारी हमारी इन चीजों को भी स्वीकार करके हमारी अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, लेकिन कोई कार्य अगर विधिवत करेंगे तो कितना प्रसन्न होगा,
होगा या नहीं होगा? तो इसलिए आगे आने वाली शिवरात्रि पर आप विधिवत पूजन करें, विधिवत व्रत रखें, तो अवश्य भोलानाथ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन को खुशहाल बना देंगे। साथ ही शिवरात्रि पर खास करके आप तीन पत्तों का बेल पत्र चढ़ाते हैं। तीन पत्ते चढ़ाते हैं, जिन्होंने व्रत रखा होगा उन्होंने ध्यान दिया होगा कि तीन पत्ते एक डंडी में लगे हुए चढ़ाते हैं, अलग अलग करके वो पत्ते नहीं चढ़ाते। क्यों भला? अगर आपको आज तीन रोटी हम थाली में रख करके दें तो आपको कैसा फील होगा, कभी सोचा है? क्या कहेंगे? लगता है बहन जी को संस्कार नृत नहीं किया गया है, सिखाया नहीं गया है कि किसी के आगे तीन रोटी नहीं रखी जाती है, यही कहेंगे ना। अरे आधी रोटी तोड़ देते या दो ही रोटी रख देते, तीन क्यों रख दी? मन में खा भले ही लेंगे लेकिन संकल्प जरूर चलेंगे। भगवान भोलेनाथ पर हम तीन ही पत्ते क्यों चढ़ाते हैं, या उस शिवलिंग के ऊपर तीन रेखाएं ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भोलानाथ परमात्मा शिव को त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी और त्रिमूर्ति कहा जाता है। वो निराकार शिव परमात्मा अकेला कोई कार्य नहीं करता, उस जब वो जब साकार जगत में आते हैं तो सबसे पहले संकल्प से तीन देवताओं की रचना रचते हैं और जिनका नाम रखते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिनको महेश भी कहते हैं। इन तीन द्वारा तीन कार्य कराते हैं, इसीलिए उनके मस्तक पर तीन बिंदी दिखाई हुई छोटी सी, महत्व बिंदी का ही है। वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ज्योति बिंदु है और वो तीन देवताओं से तीन कार्य कराता है। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा सतयुगी सृष्टि की पालना और शंकर के द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश। अभी तक हम भारतवासी शिव और शंकर को एक ही मानते चले आ रहे हैं, वास्तव में शिव और शंकर एक नहीं है। दोनों में की महिमा में अंतर, नाम में अंतर, कर्म में अंतर है। शिव कल्याणकारी कहे जाते हैं और शंकर के लिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि का संहार कर दिया, अलग अलग हो गए ना अपने आप ही। शिव स्वयं भू है, उनका कोई रचयिता नहीं है, लेकिन शंकर के लिए कहा है संभू, इनके समान और भी देवताएं हैं। मंदिर बनाते हैं तो शिवालय नाम देते हैं, भले ही उसमें अन्य देवी देवताएं भी हों, शंकर जी भी हों, ब्रह्मा जी भी हों, लेकिन नाम क्या दिया? शिवालय। जब तक मंदिर के अंदर वो गोल प्रतिमा शिवलिंग की स्थापित नहीं हो जाती तब जाता है। अगर शिवरात्रि के दिन कोई कहे कि हम शिव शंकर रात्रि मना रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, महाशिवरात्रि मना रहे हैं, शिव शंकर रात्रि नहीं कहेंगे। तो वास्तव में शिव पिता अलग हैं और शंकर उनकी पहली रचना है। जैसे शंकर को आप हमेशा तपस्वी मूर्त देखते हैं, देखा है ना शंकर का चित्र, शिवलिंग की प्रतिमा रखी है और उनके पीछे ही शंकर जी अर्ध नेत्र खोले हुए तपस्या करते हुए दिखाई गए हैं। इसका भी आध्यात्मिक रहस्य है कि जिस प्रकार से शंकर जी तपस्या करके वस्त्र विहीन केवल मृग छाल पहने हुए दिखाया है, परमात्मा शिव कहते हैं कि हे मानव आत्माएं, शंकर समान तपस्वी बन करके, अशरीरी बन करके, अपने को आत्मा निश्चय करके ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त करो और ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खोलो तो आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उन बुराइयों का नाश तपस्या के माध्यम से कर दो।
जब ये बुराइयां नाश हो जाएंगी तो आपके जीवन में दिव्य गुणों की धारणा हो जाएगी और आपका जीवन दिव्य गुणों से महकता हुआ एक गुलदस्ते के समान बन जाएगा। और फिर से आने वाली सतयुगी सृष्टि में आप रहने के योग्य बन जाओगे। तो शंकर समान तपस्वी बनकर अपने अंदर की बुराइयों का नाश करके आने वाली सतयुगी सृष्टि में चलने की तैयारी कराने के लिए स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धराधाम पर अवतरित होकर ये तीन कार्य उनके द्वारा कराते हैं, जिनका ही हम यादगार पर्व ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाते चले आ रहे हैं। तो आध्यात्मिक रहस्य को समझ करके जब ये त्यौहार आप मनाएंगे तो अवश्य भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपकी बुद्धि का ताला खोलेंगे और जीवन में खुशहाली आएगी। जागरण करिए, जागरण। कौन सा जागरण और कैसे, कौन सी नींद से जगना है? हाँ, जागरण करते ना शिवरात्रि पर, करते हैं ना। तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जागरण पार्टी को बुला लेंगे। जागरण पार्टी आएगी, खूब बढ़िया बढ़िया भजन गाएगी, जोर जोर से अपना, हाँ वो जो है क्या नाम से उनकी ढोलक मंजीरे खूब बजाएगी। खुद तो जागे या ना जागे, लेकिन मोहल्ले पड़ोस वालों को तो जरूर जगा देंगे। परमात्मा करा रहे हैं वो है अज्ञान नींद से जागो, स्वयं को पहचानो और पहचानो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। उस पिता परमात्मा का परिचय मैं अधिक समय न लेकर के केवल 7 बातों में आपको बताना चाहूंगी कि परमात्मा का नाम सदाशिव है। सदाशिव का अर्थ बताया, सदा कल्याण करने वाला है। उसका स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। अपने भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, हर मंदिर में शिवलिंग की प्रतिमा और उसके ऊपर बीच में बिंदी दिखाते हैं। अपने भारत के अंदर ही पूजा प्रथा है, दूसरे धर्म वाले पूजा नहीं करते, तो वो कैंडल के रूप में, हाँ, या दीवार पर एक गोलाकार के पत्थर के रूप में उसकी यादगार मनाते हैं। लेकिन भारत में पूजा प्रथा होने के कारण हमारे बुजुर्गों ने इतना ऊंचा शिवलिंग बना करके उस पर ज्योति स्वरूप का स्थान बना करके ऐसा रखा कि कितने भी लोग आए उस शिवलिंग पर फल फूल दूध जो भी चढ़ाए कुछ ऊपर ठहरता नहीं, सब नीचे आ जाता है उसके घेरे में। उसका निवास स्थान कहते हैं भगवान ऊपर का रहने वाला है, ऊपर मानते हैं ना। कोई दुख होता है, तकलीफ होती तो क्या कहते हो, हे ऊपर वाले दुख हरो सुख दो। ऊपर वो कहाँ रहता है, उसको कहीं कहते हैं सातवां आसमान है, कहीं कहते हैं निर्वाण धाम है, मुक्ति धाम है, शांति धाम, अनेक नाम लेते हैं। परमात्मा सूर्य चांद तारा गणों से भी पार ब्रह्म लोक का परम धाम का रहने वाला है। इस सृष्टि पर बताया जैसा कि आधार का स्थापना करने के लिए आता है, कब आता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जो बीच का समय है, जिसे कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। और आकर के क्या करता है, बता दिया, अधर्म का नाश और सतधर्म की स्थापना का कार्य कराता है। उसके साथ हमारे संबंध क्या है, आपने 7 बातें नोट कर ली कि नहीं की, नाम रूप धाम, उसका कर्तव्य, आने का समय और उसके गुण। गुणों के लिए तो कहते हैं कि सारी सृष्टि को कागज बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, सारे समुद्र को स्याही बनाओ, फिर भी भगवान की महिमा लिखी नहीं जा सकती, अपरम अपार महिमा, क्योंकि यथा नाम तथा गुण है। उसका नाम गुणवाचक है, उस संज्ञावाचक नाम उसका नहीं है, इसलिए उसने जो काम किया वो उसकी महिमा हो गई। फिर भी
उसको ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सर्व गुणों का भंडार कहा गया है। और उसके साथ संबंध भी हमारे सर्व संबंध है, कहते ना भगवान के साथ तो सर्व संबंध है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें सब कुछ, लेकिन हम आपको उसके साथ सर्व संबंधी होते हुए भी चार संबंध खास बता रहे हैं जो हमारे जीवन में कुछ प्राप्ति कराने वाले हैं। पहला उसके बच्चे हैं, पक्का पक्का मानेंगे कि वो पिता है, क्या कहते हो, परम पिता परमात्मा, तो वो पिता है, हम और आप सब उसके बच्चे हैं। दूसरा वो परम शिक्षक है और हम सब उसके विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ करके हमें क्या पद लेना है, लक्ष्य तो उसने दे दिया कि नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूं, ये हमारे विद्यालय का लक्ष्य, क्या बन सकते हैं ये हमें अपने आप को देखना है। वो परम शिक्षक और हम उसके विद्यार्थी। तीसरा वो परम सतगुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, और वो सतगुरु परमात्मा सर्व आत्माओं की गति सदगति करने के लिए इस धरा पर आया है, इसलिए अब उसको पहचान कर मुक्ति और जीवन मुक्ति की गति और सदगति का मार्ग जानकर सदगति को प्राप्त करें। लेकिन एक संबंध में जो आपको बता रही हूँ, चौथा, वो थोड़ा सा आप कहेंगे बहन जी डरा रही हैं, मैं उसको मानती हूँ कि हमारा धर्मराज भी है, वो हमको धर्मराज के रूप से पहले से ही सारे हमारे कर्मों की गहन गति समझा रहा है। जिस प्रकार से कोई का पिता जज हो तो जब घर में है तो वो जज नहीं है, वो पिता है बच्चों का, और पिता होने के नाते अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, सबको सिखाता है, बताता है कि इस कर्म की ये सजा है, इसलिए कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो कि आप मेरे सन्मुख जब आओ तो मुझे आपको इसका ये फल देना पड़े, न्याय होगा वहां, मैं आपके साथ कोई रियायत नहीं कर सकता। तो परमात्मा भी कहता बच्चे एक संबंध हर कर्म में स्मृति में रखो कि भगवान धर्मराज भी है, अगर हम कुछ उल्टा काम करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, इसलिए अपने कर्मों की गहन गति को समझ करके उस पिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, सुखी बनाए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।